लोकसभा की 80 सीटें रखने वाले उत्तर प्रदेश में सारी पार्टियां जीतने का जोर लगा रही हैं, तो वहीं सूबे में जातिवाद समीकरण भी पार्टियां साध रही हैं। इसी बीच कांग्रेस को एक बड़ी मजबूती मिली है। बता दें आपको, मृत्युंजय मौर्य ने पार्टी ज्वाइन कर ली है, साथ ही उनके साथ कई लोगों ने पार्टी का साथ देना स्वीकार किया है। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने ये जानकारी दी है। आज मृत्युंजय मौर्य ने अपने हजारों नौजवान साथियों के साथ में ज्वाइनिंग की है। हमने इससे रिक्वेस्ट किया था कि आज सिर्फ बच्चे कम लाना, तो फिर भी 1000 बच्चे इकट्ठे आए हैं, नौजवान आए हैं, और ये सब वोटर हैं। ये सारे नौजवान जो हैं वोटर हैं, ये आने वाला भविष्य है इस देश का, जो आज यहाँ पर मृत्युंजय मौर्य ने यहाँ पर ज्वाइन करवाया है। ये मृत्युंजय वर्मा का हम आभार प्रकट करते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि ये जवानी जो आज यहाँ पर इकट्ठा हो रही है राहुल गांधी के साथ में, ये हमारा सम्मान है, ये हमारी धरोहर है, ये हमारे आने वाले कल का ये सपना नहीं बल्कि ताकत है। सर, बीजेपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने राहुल गांधी पे हमला करते हुए बोला है वो अब शहजादे से झूठे हो गए। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, उनके पास विचारों के पास में कुछ है नहीं, खोखला तना वो क्या चना बाजे घना, बजने दो। तो वहीं पीएम मोदी चौकीदार वाले बयान पर राज बब्बर का कुछ ये कहना है। क्योंकि उनका चौकीदार चोर साबित हो चुका है। अब मैं अनुरोध करूंगा, खैर अब देखना होगा कि मृत्युंजय मौर्य का साथ कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद होता है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।